हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरू के रिएक्शन में। तो जैसे कि आप सबकी रिक्वेस्ट एंड ऑन डिमांड की यूसुफ की सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यूसुफ की सीरीज इस समय बहुत पीक पे है। सो हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 36 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा करता कि किस तरीके से आमुने होता बेसिकली मिस्र के उस सैनिक को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्या वो वाकई भड़क गए हैं? क्या वो वाकई प्रॉफिट यूसुफ के खिलाफ हो जाएंगे? उनका क्या जवाब रहने वाला है? क्या आमुने होता अपने इरादों में कामयाब होंगे? नहीं, सवाल बहुत सारे हैं। जवाब तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ इस सीरीज़ को आगे देखेंगे। और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारे बार इस सीरीज़ को देखा है। सो थैंक यू पहले तो कि आप दोबारा इस सीरीज़ को मेरे साथ देख रहे हैं। वैसे दिस इज़ नॉट वन टाइम वॉच, आप इसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और आप इसको बोर नहीं होंगे। और वैसे इतना पाक महीना चल रहा था, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा इसे देखना। प्लस आई कैन टेल यू, मतलब मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ जब मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ कमेंट्स में। लोग इस्तांबुल, अफगानिस्तान, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, बांग्लादेश, ढाका, यू नो, गुलशन सिटी से, देन इवन अमेरिका, जर्मनी, दुबई, कनाडा, यहाँ से भी लोग यूसुफ को सीरीज़ को देख रहे हैं। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि इतनी पॉपुलर सीरीज़ है और अभी तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में। सो थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे बताया। और अब तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं तो कितने सारे लोगों को सजेस्ट करूँगी, मैं तो खुद बीच में इस सीरीज़ को छोड़ ही नहीं सकती यार। मैं तो लगता है कि मैं लगातार नॉन स्टॉप बैठ के सीरीज़ देखती रहूँ और दिन रात मिला के इसे कम्प्लीट कर लूँ। एनीवेज ऐसा तो नहीं कर सकते, नहीं तो हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा और काम भी बहुत सारा रहता है। और चाहे शुरू करते हैं इसे। वही रिजा आसिफ, वो बचपन ही से जब से कसरे पोटी फार्म में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक्तदार हो गया है तो महबत के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाईस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं, चाहता हूँ कि आप कसर में युजार सीफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दे। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लाए और गयूर फरमांदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो जरूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजार सिर्फ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादिमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील हैं और युजार सीफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुँची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब, अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सीफ के बारे में ये वाजे कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत तायद हासिल है और वो किसी खयानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। Thank you.
आली जनाब पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की जरूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, अपना ख्याल रखिए बानो। जो अदविया सनुहा ने कही है जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो यूज़ार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। जनाब माफ कीजिएगा, बानोती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आपुकी को देखा जो बानोती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आरी जनाब हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों गौर से सुनिए, चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं उनके जिम्मे होगी, और आज के बाद मेरे और आपके माँ बहन ये और नीमी साबू रबते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनान माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुँचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है के फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात यह कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं, लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफा खोरों की गंदम की जखीरा अंदोजी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में
कसीर मकदार में बीज की जरूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की यह जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साहबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की जरूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदा बंद आपका निगहदार हो, फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर। जनाब मालिक आप ठहरिए, आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की जरूरत है। जैसा आप कहें, मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब, सोम के जमाने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अजर खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली, आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है, हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाकये में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का अख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है, मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती अगर युजार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्व कर देता तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं जबकि मुकाबले के वसायल नहीं होंगे। आप जानती हैं गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में नहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। बहनों तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तभी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान, वो आपका बेहद एहतराम करते हैं, आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब युजार सिफ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि युजार सिफ की नजर इक्तदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के जहन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक ले। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदा निजावीरा से आजाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों, क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को युजार सिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं।
नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमुन हुकम के पास गए हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुँचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाई से लंगोआर है टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियार क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर मम्लिकत में इस्तेफादा करें? मैं भी हौरमहू को पसंद करता हूं और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूं, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िमनन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार शेफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा? जानते हो काश्तकारों को फरमा रवा की जमीने बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा? वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बाइद नहीं कि मकाम फरमा रवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। दोस्तों
So, जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से बानौती को गुमराह करने की कोशिश की गई है उन्हें की ओर से, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय जो मिस्र की जनता है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट यूसुफ का सपोर्ट कर रही है कि जैसे ही उनके खिलाफ कोई भी बात होती है हर कोई जाके एटलीस्ट उनको आगाह कर दे रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। बट मुझे समझ नहीं आया इतना हेल्पफुल रहे प्रॉफिट यूसुफ उनके, बट जहाँ जहाँ वो हेल्प करते जा रहे हैं लोग उनको पता नहीं क्यों इस तरह बातों में आ जाते हैं। और अभी फरमा रवा की इतनी सारी हेल्प की, उसके बाद भी बानौती इस तरह से सोचती हैं, बानौती इस फरमा रवा की माँ, वो किस तरह से सिर्फ ईरानी होने से, क्योंकि वो मिस्र के नहीं है, ये तो कोई जजमेंट का तरीका नहीं होता, बट आई एम नॉट श्योर पहले ऐसा होता होगा। बट लेट्स सी फरमा रवा क्या करते हैं, क्या वो अपनी माँ की बातों में आते हैं या वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं जैसे कि उनके बाबा ने उन्हें समझाया था। लेट्स सी क्या होता है, दोनों में काफ़ी इंटरेस्ट और अभी सस्पेंस बना हुआ है, तो मज़ेदार ही है, ओवरऑल मज़ा आने वाला है। सो ऐसे ही कंटिन्यू करिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।